अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हबीबास इजी रेसिपीज़। तो आज की रेसिपी है जी मेरे पास एग पोटैटो कड़ी। एग पोटैटो कड़ी बहुत ही मज़े की बनती है और बहुत ही आसानी से बन जाने वाली ये रेसिपी है, तो इसे बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर जी मैंने ले लिया है कुकिंग ऑयल आधा कप जितना। साथ में डालने लगी हूँ जी इसके अंदर प्याज का पेस्ट। प्याज के लिए पेस्ट बनाने के लिए मैंने ले लिए 2 मीडियम साइज़ के प्याज और थोड़ा सा पानी डालकर मैंने इसका पेस्ट बना लिया है। तो ऑयल गर्म हो चुका था, मैंने डाल दिया है इस पेस्ट को इसके अंदर और इसे तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए भून लूँगी, जब तक कि इसका कच्चापन दूर ना हो जाए और साथ जो पेस्ट के अंदर पानी शामिल किया था वो पानी इसका खुश्क ना हो जाए। तो इसका कलर ब्राउन नहीं करना, बस इसे भून लेना है 4 से 5 मिनट के लिए कि इसका कच्चापन जो है वो दूर हो जाए और पानी खुश्क हो जाए। तो यहाँ पर ले लिया है जी मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट 1-1 खाने का चम्मच, साथ ही में डाल दिया है ये भी। तो मज़ीद 3 से 4 मिनट के लिए भून लेते हैं इसको भी। बहुत मज़े की है सालन जो है वो बनता है। जिस दिन अगर आपके पास बनाने के लिए कुछ ना हो या समझ ना आए कि क्या बनाएं, तो उस दिन ये बनाइएगा, ये सालन आलू और अंडे का। बहुत ही मज़े का ये सालन बनता है, ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा। और बहुत आसान भी है इसको बनाना, फटाफट से ये बन जाने वाला है। तो साथ में ले लिए जी यहाँ पर टमाटर 3 अदद मीडियम साइज़ के, उनको भी मैंने पेस्ट बना लिया था थोड़ा सा पानी डाल के। तो प्याज जो है वो तकरीबन 6 से 7 मिनट के लिए फ्राई हो चुका था, तो अब मैंने डाल दिए हैं जी इसके अंदर टमाटर का पेस्ट। तो टमाटर का पेस्ट डालकर भी इसे मज़ीद जो है वो 3 से 4 मिनट के लिए पका लेती हूँ ताकि अच्छे से टमाटर जो है वो गल जाए। तो साथ मसाले ऐड कर देती हूँ। मसालों मैंने ले लिया है यहाँ पर लाल मिर्च ले लिया है खाने का 1 चम्मच, हल्दी पाउडर ले लिया है मैंने जी आधा चाय का चम्मच, और साथ मैंने ले लिया है यहाँ पर धनिया पाउडर 1 खाने का चम्मच, और कसूरी मेथी ले ली है मैंने 1 खाने का चम्मच, नमक ले लिया है 1 खाने का चम्मच। तो आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर लीजिए नमक और मिर्चें, कम लगें तो आप ज़्यादा कर लीजिए या ज़्यादा लगें तो आप कम कर लीजिए, जैसे आपके टेस्ट के हिसाब से आप मसाले कम ज़्यादा कर सकती हैं। तो मसाले डाल के इसे मज़ीद पकने के लिए छोड़ दूँगी, जब तक कि टमाटरों का पानी अच्छे से खुश्क ना हो जाए और ये गल ना जाए। साथ ही मसाला डाला है ताकि मसाला भी इनके साथ ही भून जाए। तो इधर मैंने आलू ले लिए हैं आधा किलो तकरीबन, और उनके मैंने दरमियान में से पीसेस कर लिए थे जो कि 6 अदद थे, पीस कर लिए थे मैंने उनके, और उनके वो उबलने के लिए मैंने रख दिया था चूल्हे के ऊपर सादे पानी में। और साथ मैंने 4 अदद अंडे ले लिए हैं, वो भी उबलने के लिए मैंने रख दिए हैं साथ ही। तो जितनी देर में हमारा मसाला तैयार होगा उतनी देर में हमारे आलू और अंडे भी पककर तैयार हो जाएंगे। तो बनी ना झटपट से ये हांडी। तो लीजिए आलू जो है वो हमारे उबल कर तैयार हो चुके हैं, तो मैंने इनका छिलका उतार लिया है और इनको 2 पीस इसमें कट कर लिया है इस तरह से। तो दरमियाने साइज़ के आलू थे मेरे पास, अगर आपके पास ज़्यादा बड़े साइज़ के हों तो आप ज़्यादा पीसेस कर लीजिए इसके। तो डाल देती हूँ जी मैं इस मसाले के अंदर इसको और भून लेती हूँ मसाले के साथ इन आलुओं को भी, ताकि अच्छे से आलुओं के अंदर भी इसका टेस्ट आ जाए मसाले का। 3 से 4 मिनट मज़ीद इसको भून लेते हैं ढाँप के। तो अंडे भी मैंने उबाल कर जो है वो छील लिए हैं। तो देखिए जी 3 से 4 मिनट मज़ीद ये पका है और अच्छा से जो है तरी ऊपर आ चुकी है, टमाटर भी गल चुके हैं और मसाला जो डाला गया था वो मसाला भी अच्छे से आलूओं के अंदर जज्ब हो चुका है। तो अब मैं यहाँ पर डालने लगी हूँ जी पानी ग्रेवी के लिए तकरीबन 1 कप जितना। तो आपको जितनी ग्रेवी चाहिए हो आप इतना पानी इसके अंदर डाल दीजिए। तो मैं इसे मज़ीद पकने के लिए रख दूँगी तकरीबन 5-1 मिनट के लिए हल्की आँच पर, ताकि अच्छे से ऑयल ऊपर आ जाए और जो अभी पानी शामिल किया है वो भी पक जाए। तो अंडे जो उबाल लिए थे वो भी मैंने इसमें शामिल कर दिए हैं। तो अब इसे मैं ढाँप पर पका लेती हूँ 2 से 3 मिनट के लिए या तकरीबन 5 मिनट के लिए। तो ढाँप दिया इसको मैंने, तो लीजिए 5 मिनट हुए हैं तकरीबन इसको, और अच्छे से इसकी ग्रेवी जो है वो पक चुकी है और इसका ऑयल भी ऊपर आ चुका है। अब ये रेडी हो चुका है खाने के लिए। तो चूल्हा मैं इसका करने लगी हूँ बंद। अब मैं डाल रही हूँ यहाँ पर जी धनिया और कटा हुआ धनिया और हरी मिर्च। तो बहुत ही मज़ेदार सी ये रेसिपी जो है वो हमारी रेडी हो चुकी है, ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा और बताइएगा कमेंट्स में कि आपको इसका टेस्ट कैसे लगा और इसका बनाना कितना आसान था। तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को। तो फिर किसी नई रेसिपी के साथ हाज़िर होती हूँ। अल्लाह हाफिज़।